नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया, इस समय मैं श्री रणवेश्वर जी शिवालय में हूं और आज यहां पे नंदी जी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया। गौरतलब है कि ये वही शिवालय है, यहां पे कुछ महीने पहले ये बरांडा गिर गया था, उसके बाद जो नंदी जी थे तो यहाँ पे पुनः इनको जो है आज विराजमान किया गया और ये लगभग 5 क्विंटल के करीब जो है इनकी प्रतिमा है। और इस मौके पे जम्मू कश्मीर धर्माड ट्रस्ट के ट्रस्टी विक्रमादित्य सिंह जी, मार्तंड सिंह जी, रणविजय सिंह जी और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर धर्माड ट्रस्ट के बाकी अहदेदार जिसमें प्रधान व सचिव महोदय वो मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा आज जब नंदी जी की प्रतिमा की जहाँ पे पुनः स्थापना की गई है, आइए देखिए। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है। आज एक साल के बाद नंदी जी जो पिछले साल ये ड्यूटी कोलैप्स होने के कारण ध्वस्त हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे साथ खड़े सुभाष चंद्र जी को जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये पूरा हो पाया। उससे पहले साल डेढ़ साल हम लोग बिजी रहे इस बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की, जो एक एंशिएंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट है रणवीरेश्वर मंदिर, उसकी बिल्डिंग को किस तरीके से दोबारा रेस्टोर करके स्ट्रेंथन करना, उस काम में थोड़ा समय लग गया। लेकिन ये भी बहुत खुशी होती है कि ये कार्य पूरा हमारे काउंसिल मेंबर श्री अबरोल साहब के कंट्रीब्यूशन और उनके कीमती समय उन्होंने बर्बाद करके यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया मिलजुल के। साथ ही साथ धर्म ट्रस्ट के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमेशा उनकी एक सही गाइडेंस रही है जिसको हम कंसल्ट करके आगे डिसीजंस लेते रहते हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पर विनोद शर्मा जी JMC से, पंडित विश्वनाथ मूर्ति शास्त्री जी, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट और जो हमारे अपने ट्रस्ट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है लेड बाय प्रेसिडेंट रिटायर्ड ब्रिगेडियर लंगे साहब, सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी और पूरे स्टाफ मेंबर्स जो धर्म ट्रस्ट के हैं, फुल डेडिकेशन और फुल प्रयास के साथ लगे हुए हैं। सिर्फ केवल इस मंदिर में ही नहीं बल्कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर कई ऐसे मंदिर हैं जो पुराने हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने की एक प्रतिक्रिया जारी है। पहलगाम का टेंपल हमने पूरी तरह से गौरी शंकर टेंपल को रेनोवेट कर दिया, आपको बहुत खुशी होगी, यात्रा से पहले ही कर दिया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र साहब हैं भटनागर साहब, वो आए थे इनॉग्रेशन के लिए। अभी इसी साल अफसोस से कहना पड़ता है कि एक शॉर्ट सर्किट में हमारा गुलमर्ग का शिव मंदिर भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, उसकी भी ज़ोरों से रेनोवेशन का काम जारी है। तो धर्म ट्रस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सीरियसली ले रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने सीनियर स्टाफ मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सहयोग से और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम लोग काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। मतलब है कि यहाँ पे जब ये बरांडा गिरा था उसके बाद नंदी जी ने सारा भार अपने पे ले लिया था और किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को जान माल की क्षति नहीं होने दी और आज पुनः जहाँ पे नंदी जी को जो है विराजमान किया गया है और इस मौके पे जो है वो धार्मिक आस्था के साथ साथ एंथुसियास्टिक तरीके से पूजा अर्चना जहाँ पे करके नंदी जी की जहाँ पे प्रतिमा को स्थापित किया गया, इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।